गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सिन्हा ने 18 नवंबर को 2:35 पर आखिरी सांस ली। मृदुला सिन्हा को दीपावली की रात को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व राज्यपाल का अंतिम संस्कार 20 तारीख को दिल्ली में ही किया जाएगा। उनकी बेटी और बेटा अमेरिका से गुरुवार की रात दिल्ली पहुंचेंगे। मृदुला सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मृदुला सिन्हा को उनकी जन सेवा के लिए याद किया जाएगा। वो एक कुशल लेखिका थी, उन्होंने विश्व के साहित्य और संस्कृति में अतुलनीय योगदान दिए। उनके निधन से दुखी हूँ, उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि गोवा के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन बहुत ही दुखद है। उन्होंने जीवन भर राष्ट्र, समाज और संगठन के लिए काम किया। वह एक निपुण लेखिका भी थी, उनके लेखन के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।